हेलो नमस्ते, राम राम जी सभी को। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सो आज हम जा रहे थे डाउनटाउन कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, वीडियो बनाएं कि कैसा है डाउनटाउन। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बस निकल गई 2 मिनट से। और वीकेंड में बस तो मिल जाएगा हमें जाने का 5:30 के अराउंड, बट शाम में 6:30 के बाद बस चलते नहीं है यहाँ पे। वीकेंड में स्पेशली, बाकी टाइम पे 8:30-9 बजे तक चलता है वीकडेज में, बट वीकेंड में 6:30 के बाद ख़त्म है बस। उसके बाद आपको टैक्सी लेना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया कि आज डाउनटाउन वाला एक्सप्लोरेशन ख़त्म करते हैं, आसपास ही जाते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, हम रिवरडेल में रहते हैं, बहुत ही सुंदर इलाका है, छोटे छोटे पहाड़ है, तो हमने सोचा क्यों ना पहाड़ चढ़ा जाए आज। और वैसे एक्सप्लोर होने वाली वीडियो बनानी थी कि हाँ कैसे ग्रोसरीज एंड ऑल यहाँ पे हैं, बट वो अभी हम थोड़ा रुक के बनाएंगे। तो आज के व्लॉग में हम थोड़ा बहुत ज़्यादा बताएंगे जॉब्स कैसे ढूंढनी है, PNP PR एंड ऑल, दैट्स इट। सो आज के व्लॉग में हम थोड़ा पिछले वीडियोस में एक दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनका जवाब देंगे। तो एक था कि PNP के लिए, तो सिंपल है, PNP यहाँ पे 2 काइंड ऑफ स्ट्रीम्स हैं, स्किल वर्कर और दूसरा क्रिटिकल वर्कर। स्किल वर्कर आते हैं जिनके Tier 4 and 5 में आपको जॉब लिस्टेड होते हैं। अगर आपको इनके बारे में थोड़ा और जानना है तो आप लिंक देख सकते हो, उसमें मैंने लिंक डाला हुआ है, यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक द टियर नंबर ऑफ योर जॉब। फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि वो कौन से स्किल प्रोग्राम में फॉल करता है। तो अगर क्रिटिकल वर्कर है तो 4 and 5 टियर लिस्ट वाले, एंड 0 से 1, 2, 3 वाले आते हैं हमारे स्किल वर्कर में। इनके लिए अलग प्रोग्राम है और क्रिटिकल के लिए अलग प्रोग्राम है, क्योंकि एक्चुअली में इनके अथॉरिटी में जो भी लोग होते हैं उन्होंने मैक्सिमम फील्ड ऑफ स्पेस। सो जितने भी आपके स्किल वर्कर हैं जो एक्चुअली जो ज़्यादा स्किल वाले वर्क होते हैं, है ना, थोड़े अथॉरिटी वाले जॉब्स होते हैं, उनको 12 महीना लगता है PNP अप्लाई करने के बाद। सो लाइक 12 महीने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो आप PNP के लिए। एंड क्रिटिकल वर्कर्स इनको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको चाहिए लेबर टाइप के जॉब, लाइक स्मॉल लेबर तो नहीं कह सकते, लाइक ऐसे जॉब जो डायरेक्ट कस्टमर से रिलेट करते हो, डायरेक्ट जॉब हो, ज़्यादा अथॉरिटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल जितना आप देखिए कि टीम होटल्स में जो फ्रंट डेस्क पे ऐसे काम करते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, ऑर्डर्स बनाते हैं, वो क्रिटिकल वर्कर्स हैं। किसी होटल में कोई हाउसकीपिंग का काम कर रहा है, वो क्रिटिकल वर्कर है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर केयर वाले, वो क्रिटिकल वर्कर है। किसी वॉलमार्ट में जाओ आपको मिल जाएंगे सेल्समैन, वो क्रिटिकल वर्कर। कारपेंटर हो गया, लाइक पेंटर हो गए, जो छोटे मोटे काम है जो सिंगली हैंडली सारा काम हो सकता है, ऐसे काम वाले क्रिटिकल वर्कर्स में आते हैं 4 and 5 tier। तो इनके आप 6 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनको ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे लोगों की। यूकॉन में अभी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, तो इसके लिए इनको क्रिटिकल वर्क्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होटल्स, नए रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, नए रोड बनाने के प्लान है, नए ब्रिजेस एंड एवरीथिंग, सो डेवलपिंग है, तो काफ़ी क्रिटिकल वर्कर्स हैं। सो जो भी अपना आने का प्लान करें, प्लीज़ अपना टीयर देख लो आप, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन से में फॉल करते हो, 12 महीने वाले कि 6 महीने वाले। और हाँ, प्लीज़ जॉब जब आपने यूकॉन में मूव करना है, प्लीज़ बाहर से ढूंढ के आइएगा, क्योंकि राइट नाउ समर्स हैं, चलो बंदा बाहर जाके ढूंढ लेता है, पर इन विंटर्स इट्स गोना बी हार्ड फॉर यू गाइस। सो प्लीज़ बाहर से जॉब ढूंढ के आइएगा, मतलब आना हो तो एटलीस्ट अगर ढूंढ भी नहीं पाए, बट यू शुड हैव लाइक क्लियरिटी कि क्या करना है इधर आगे, लाइक डोर टू डोर जमा करना है, कहाँ कहाँ जाना है, मतलब रूट सारे प्लान कर लो अपने। ऐसे खाली मत आ जाओ कि हाँ 6 महीने में लग जाता है, हम आ जाएंगे, ये नहीं करना। ये करोगे तो तुम खुद को अपने आप को मिसलीड कर रहे हो, और बाद में इधर आके जब अनएम्प्लॉयड होगे फॉर फ्यू वीक्स, लाइक यू विल बी डिसअपॉइंटेड एंड डिप्रेस। सो ऐसा नहीं चाहोगे तो पहले सारा कुछ प्लान कर लो, जॉब कैसे ढूंढना है ये सोच लो, अगर नहीं मिल रहा तो सोच लो कुछ और प्रोविंस का। हाँ, जैसे कि हमारे केस में हमने बाहर से दोनों ने जॉब ढूंढ ली थी, हमने घर ढूंढ लिया था, थोड़े ना जेन्युइन जे कमेंट आते हैं, सच्ची सानू बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हाँ किसी ने सच्ची पूछा, किसी ने सच्ची हेल्प दी चाहिदी आ। सो एक ब्राड वीर करके किसी का मैसेज आया सीगा, थैंक यू ब्राड जी कि तुसी सानू मैसेज किया कि तुसी सच्ची रियली इंटरस्टड हो जानने लई। ते अंजू जी करके किसी का आया सीगा, ते शी रियली वॉन्ट्स मी टू एक्सप्लोर यूकॉन मोर, सो आई विल फॉर श्योर। अज जाने होया रीजन थोन दसता, ते ब्राड जी का शायद असी टॉपिक अज कवर कर देना है PNP जॉब्स बारे। सो हेयर कम्स, जॉब्स किदा लभनियां आ। जॉब्स लभने के लिए आपको पहले, अगर सिंपली सबसे ईजीएस्ट वे होता है कि अगर नेटवर्क है तो फॉर श्योर यू लाइक टू मेक श्योर लाइक आपके दोस्तों का आपको हेल्प करें जॉब लेने में।
एंड दूसरा रहता है कि आप अपनी तरफ से जॉब साइट्स में जा सकते हो, जॉब बैंक हो गया jobbank.ca, uwin.ca एंड इंडीड हो गया, लिंक्डइन के मैं प्रोफाइल बना के आप लिंक्डइन जॉब से आप जॉब सर्च कर सकते हो, फेसबुक मार्केट प्लेस में भी कभी कभी ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आपको जॉब पोस्टिंग्स होती है वो ढूंढने पड़ती हैं, अगर बाकी चीज़ें हम लिंक में डाल देंगे। एंड आपको कीजीज में भी मिल जाते हैं, कैश जॉब्स मिल जाते हैं, नॉर्मल जॉब्स वहाँ पे पोस्टिंग करते हैं। यहाँ पे लोग थोड़े पुराने हैं, जो भी एम्प्लॉयज थोड़े ओल्ड एज, अभी टेक्नोलॉजी इतने एडवांस है नहीं, तो ये लोग फेसबुक जो ऐसे साइट जो बड़े फेमस है पहले से वो ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर कि आप इंडीड ज़्यादा सर्च डाउन कर लो पूरा, है ना, फिल्टर डाउन कर लो, रिसेंट जॉब्स कर लो, वहाँ पे आप जॉब जॉब सर्च कर रहे होगे किसी भी साइट्स में, आप उनको सॉर्ट बाय डेट कर लो कि मतलब लास्ट 30 डेज, लास्ट 1 वीक में जो पोस्टिंग्स आए थे उनमें कोशिश करोगे जब ज़्यादा अप्लाई करो। एंड मेक श्योर कि वो जेन्युइन है पता कर लो, क्योंकि ऐसे भी साइट में स्कैमर्स भी होते हैं, जो मेरे को भी फेस करना पड़ा था। हेलो, होपफुली असीं सारिआं दे टॉपिक कवर करते होंगे। तो एच पी सिंह आई डी तो एक मैसेज आया सीगा कि उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन आ, तो कि वह 1 ईयर दे विच पी आर हो सकते आ, हो सकते आ 1 ईयर दे विच पी आर होने के चांसेस, तो मतलब आपके प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है कभी कभी तो 1 ईयर आपके, बट पी एन पी एप्लीकेशन लग सकती है अगर आपका 6 महीने का कोई क्रिटिकल जॉब में अगर आपने जॉब ढूंढ लिया एंड उसके थ्रू आपने 6-7 महीने के अंदर आप एम्प्लॉयर आपको पी एन पी लगा देगा। हाँ, मेक श्योर करना जब आपकी हायरिंग होगी तो एम्प्लॉयर से पहले ही बोल देना कि भैया 6 महीने के बाद मैंने पी एन पी लगानी है। हाँ, लाइक एवरीथिंग शुड बी क्लियर कट, लाइक इन दिस व्हेन यू आर गेटिंग हायर्ड सारा आप क्लियर करके रखोगे कि मेरे को 6 महीने के बाद लगाना है। एंड उसके बाद आपका एम्प्लॉयर के पास वर्क परमिट होता है तो उसको पता होता है कि एक बंदा कितने समय तक काम करने वाला है, तो वो भी अपना ही मतलब निकालेगा, तो आपको भी अपना मतलब शुरू में ही बता देना है कि 6 महीने में लगाना है मैंने, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर यू अप्लाई फॉर आफ्टर 6 मंथ, लगने में शायद 7-8 महीने लग सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क से जो उसको कंप्लीट करने पड़ते हैं एंड थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने में लग जाता है। एंड आफ्टर दैट विद इन 2-3 मंथ्स यू विल गेट अ एप्लीकेशन अप्रूवल फॉर पीएनपी, जिसके थ्रू आप लंबा रुक सकते हो, लाइक अगर आपका वीजा भी खत्म हो गया, वर्क परमिट खत्म हो गया, उसके थ्रू मेंटेन स्टेटस में आप अपना सब कुछ एक्सटेंड कर सकते हो, पर फिंगर क्रॉस पहले पीआर आ जाएगी, डोंट वरी। ओके, पिछले वीडियोस में हमें कमेंट आए थे, एक भाई था हमारे एचपी सिंह करके जो पूछ रहे थे कि वो 1 ईयर का सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, 1 ईयर का सर्टिफिकेट, एंड यू वांट टू नो लाइक कि हो सकता है कि नहीं पीआर। ऑफ कोर्स हो सकता है, एंड आप कोशिश करो कि अगर आपका छोटा है मतलब कम समय का वर्क परमिट है या तो वीज़ा है तो गो फॉर क्रिटिकल वर्कर, लाइक आप उसका स्किल जॉब मत लो, tier 0, 1, 3 ऐसे इनके जॉब मत लो, क्योंकि इनमें आपको 12 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी आपका तो तब तक खत्म ही हो जाना है, इसलिए इट्स बेटर टू गो फॉर 6 मंथ 1 क्रिटिकल वर्कर लो, 6 महीने में अप्लाई कर लो, मेक श्योर कि आप शुरू में जब हायर हो रहे हो एम्प्लॉयर से सारा क्लियर कर लो, एंड अगर हो सके तो एम्प्लॉय से भी पूछ लो कि अप्लाई करता है कि टाइम पे। एंड एज सून एज यू अप्लाई लाइक यू आर एलिजिबल आफ्टर 6 मंथ, आपके 7-8 महीने तक सारा अप्लाई हो सकता है। एंड और शायद कोई मतलब एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नौकरी का कोई एक्सपीरियंस है पीछे से, मतलब किसी और प्रोविंस से, या नॉक सी और डी में भी है, अगर एम्प्लॉयर अच्छा होगा ना तो वो थोड़े टाइम में भी लगा देगा। हाँ, उसके ऊपर है सारा कुछ, 6 महीने के पहले जो क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम में आपके 6 महीने में एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए, एंड डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में, उन सबको कंप्लीट करने में एम्प्लॉयर के साथ थोड़ा खींचतान होने का 7-8 महीने तक आपका अप्लाई हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट विद इन 2-3 मंथ्स आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है, पीएनपी आपको अप्रूवल आ जाती है, लाइक यू विल गेट अ अप्रूवल कि आप पीएनपी एलिजिबल हो। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट लाइक द एक्सप्रेस एंट्री में आपने डालना है, ये सब चीज़ें करते करते 1 साल आपके प्रोसेसिंग टाइमिंग लग जाता है, तो इन टोटल 1.5 साल तक का प्रोसेस है। हमने वो भी रिसर्च की थी कि ईएनपी खुद भी लगा सकते हैं और किसी कंसल्टेंट के थ्रू लगा सकते हैं। इट्स मच बेटर कि आप इन सब में कंसल्टेंट को मत घुसाओ, अगर आप कंसल्टेंट को घुसाया देन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स दैट यू गाइस हैव टू कंप्लीट, क्योंकि हमारे केस में हम सब खुद ही कर लेते हैं, वर्क परमिट की बात हुई तो कोई कुछ भी मतलब ऐसे ही आईआरसीसी की बात हुई, हमने कभी लॉयर नहीं हायर किया, हम खुद ही करते हैं, तो ईजी होता है। एंड इट्स मच बेटर क्योंकि आपकी जो भी प्राइवेसी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास ही रहता है, अगर आपने किसी कंसल्टेंट को रखा उसको भी अपना कुछ फॉर्म्स होते हैं जो फिलअप करने होते हैं। एक बट मुझे लगता है कोई लोग नहीं शायद कंफर्टेबल होते हैं, तो इट्स ओके, यू कैन गो फॉर कंसल्टेंट टू, दैट्स फाइन। या यू कैन, अगर आपको ज़्यादा अगर थोड़ी भी ज़रूरत है यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस, हम कर देंगे लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन हेल्प यू ऑन सम स्मॉल थिंग्स फॉर श्योर।
एंड कुछ चीज़ें होती है आपको चेक करना होता है, कंसल्टेंट IRCC अप्रूव्ड एक फॉर्म होता है जिसमें होता है कि जो आपने कंसल्टेंट से फिलअप करवाना है कि लाइक इफ इन केस अगर IRCC को इन्फॉर्मेशन गैदर करना थर्ड पार्टी से लाइक फॉर द कंसल्टेंट लाइक ही इज एबल टू एक फॉर्म होता है जिसमें जो आपको कंसल्टेंट को भरवाना पड़ता है आपने कि जिसमें लिखा होता है कि अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए IRCC को या तो थर्ड पार्टी को तो कंसल्टेंट इज रेडी टू गिव इन्फॉर्मेशन सो ताकि इससे ये भी हो जाता है कि अब वो सेफ साइड पे आप कि वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है कहीं भागेगा नहीं पर एज पर माई एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू गो फॉर कंसल्टेंट सो इट्स कम्प्लीटली फाइन कोई सरदर्दी नहीं लेना चाहता तो सो या यू कैन गो फॉर कंसल्टेंट्स ओके एंड अब कहाँ सुना है हम दैट्स इट आई गेस कवर हो गया कुछ प्लेन्स लैंड होते हैं तो बहुत सारे इंडियंस बहुत सारे आउटकमर्स आते हैं PR के लिए यूकॉन बस ऑलमोस्ट फुल हो रहा है गाइस मैं होटल में काम करता हूँ नाइट ऑडिटर की तरह तो मेरे बहुत सारे गेस्ट से मिलता हूँ जो आए होते हैं नए इंडियंस एंड नॉर्मली ऑन एन एवरेज मैं सबसे पूछता हूँ कि कौन कितने लैंड किए थे एंड एवरी लाइक फ्लाइट ऑलमोस्ट 13-14 इंडियन लोग आ रहे हैं फाइव लोग आ रहे हैं क्योंकि पहले होता था लोग यूकॉन की ठंडी से डरते थे बट अभी सब बहुत अवेयर है सबको PR जल्दी लेनी है तो या सब यूकॉन आ रहे हैं बाकी सारे प्रोविंस में थोड़ा मुश्किल हो चुका है Saskatchewan, Yukon, I guess अभी भी अच्छा है हाँ Saskatchewan and Yukon मेरी तरफ से तो पर्सनल फेवरेट्स हैं बाकी ओवरक्राउडेड है बाकी ऐसा है जिसकी जहाँ PR आ जाए उसके लिए वही अच्छा है बाकी किस्मत का खेल है सो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि हमने PNP वाले सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और यही एक्सप्लोर करने की बात सो फॉर श्योर वी विल मेक वीडियो सून ऑन दैट तब तक हमें सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज नहीं भी करना कोई बात नहीं वीडियो देख लो कोई बात नहीं चलेगा बाय हम अभी हाइकिंग में आया था वी विल मेक श्योर टू कंप्लीट दैट फर्स्ट श्योर